हाय व्यूअर्स, प्रोफेसर शुएब अहमद अवान ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पेयरिंग स्कीम के बारे में देखेंगे और इसके अलावा हमारी ICS से रेलिवेंट, कंप्यूटर से रेलिवेंट काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं और उर्दू की लेक्चर से रेलिवेंट भी वीडियोस अपलोडेड हैं। उम्मीद है हमारा ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक पार्ट वन पेयरिंग स्कीम 2023 को डिस्कस करना है। व्यूअर्स, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो है मल्टीपल चॉइसेस। 15 मल्टीपल चॉइसेस हैं और ये जो पेयरिंग स्कीम है ये टेक्स्ट बुक से रेलिवेंट है। जो पार्ट वन है उसमें एमसीक्यूज होते हैं, 15 एमसीक्यूज होते हैं। व्यूअर्स, उसमें जो फर्स्ट टू एमसीक्यूज होते हैं वो चैप्टर वन से आते हैं और नेक्स्ट टू भी चैप्टर टू से आते हैं, और इसी तरह से एमसीक्यूज जो नेक्स्ट टू हैं यानी कि 5 और 6 वाला एमसीक्यूज वो भी चैप्टर 3 से आता है। जो एमसीक्यूज नंबर 7 है वो चैप्टर 4 से आता है। जो एमसीक्यूज नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड 10 तक जो एमसीक्यूज हैं, 3 एमसीक्यूज ये चैप्टर 5 से आते हैं। और उसके अलावा 11th वाला चैप्टर 6 से, 12 वाला चैप्टर 7 से, 13 वाला चैप्टर 8 से, 14 वाला चैप्टर 9 से और 15 वाला चैप्टर 10 से आते हैं। इस तरह से हमारे पास एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा जो वेटेज है एमसीक्यूज में वो चैप्टर 5 की है, और उसके अलावा 1, 2, 3 इन चैप्टर्स की एमसीक्यूज की वेटेज ज्यादा है। 1, 2, 3 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर 5 में से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं। सो एमसीक्यूज के लिए चैप्टर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा फेवरेट है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बात करें तो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। हर सेक्शंस के अंदर हमारे पास कोई से 9 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें 6 को अटेम्प्ट करना होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए जिसके अंदर ओवरऑल टोटल जो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 9 है, और उन 9 क्वेश्चन की डिवीजन इस तरह से है जो चैप्टर 4 चैप्टर 1 है, इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो चैप्टर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 4 से आ रहे हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन चैप्टर 9 से आ रहे हैं। हाँ, अगर इसमें हम चैप्टर 1 और 4 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार कर लें तो हमारे 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं और हमें 6 करने पड़ते हैं। सो हम चैप्टर 9 को लेफ्ट कर सकते हैं या उसे हम छोड़ सकते हैं, बहरहाल उससे एक एमसीक्यूज भी साथ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आने वाले 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से हैं और इसी तरह 3 10 में से हैं। सो ये तीनों इक्वली डिवाइड हैं, और इसमें हमें अगर हम चैप्टर 1 और 2 कर लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से, तो इट्स मीन हम चैप्टर 10 को भी चॉइस पर छोड़ सकते हैं। लेकिन चैप्टर 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें से 3 शॉर्ट और 1 एमसीक्यूज यानी कि 7 मार्क्स का पेपर इसमें से आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी हमें 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ 9। इसमें क्वेश्चंस की जो तरतीब है इस तरह से है, चैप्टर 5 में से 2 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 6 में से 3 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 7 में से 2 हैं, चैप्टर 8 में से 2 हैं। यहां पर ये चीज की जा सकती है चैप्टर 7 या 8 को चॉइस पर छोड़ दिया जाए। अगर आप मुझसे पूछें तो चैप्टर 7 को चॉइस में, चैप्टर 8 को सॉरी चॉइस में छोड़ देना चाहिए, और इस तरह से चैप्टर 5 ऑलरेडी हम कर रहे हैं और चैप्टर 6 को और 7 को कर लिया जाए। सो इस तरह से हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के इस सेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जिन चैप्टर्स को हम छोड़ सकते हैं चॉइस में, चैप्टर 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 से रेलिवेंट, और क्वेश्चन 2 में चैप्टर हम 9 को छोड़ सकते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में से चैप्टर 10 को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम चैप्टर 10 को छोड़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास चॉइस नहीं बचती, जबकि क्वेश्चन 2 और 4 में एक एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस बचती है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। 5 लॉन्ग आते हैं, 3 करने होते हैं, और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स कैरी करता है, और इस तरह से 24 मार्क्स बनते हैं। चैप्टर 5 में से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग है, चैप्टर 2 से लॉन्ग है, चैप्टर 3 से लॉन्ग है, और चैप्टर 5 से 2 लॉन्ग है। सो चैप्टर 5 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 109 मार्क्स में से 23 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आ रहा है। स्टूडेंट्स, होप सो आज की पेयरिंग स्कीम को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और इस पेयरिंग स्कीम के अंदर एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, वो स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है और वो शॉर्ट सिलेबस करना चाह रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स को कर लें और चैप्टर 10 को कर लें। फर्स्ट 3 चैप्टर्स को करने से उनके 6 एमसीक्यूज और 10 को करने से एक 7 एमसीक्यूज, और इस तरह से जो शॉर्ट का सेक्शन है पहला सेक्शन उनका कंप्लीट हो जाता है, और पहले सेक्शन के 4 शॉर्ट, सेकेंड सेक्शन के उनके 6 शॉर्ट, और जो उनका
थर्ड सेक्शन है उसमें से टू शॉट आ जाते हैं, यानी कि ओवरऑल उनके जो शॉट बनते हैं वो 12 बनते हैं, और इस तरह से 24 मार्क्स ही हो गए, 7 मार्क्स एमसीक्यूज के 31, और इस तरह से 24 मार्क्स उनके लॉन्ग क्वेश्चंस के बन जाते हैं, इस तरह से ऑलमोस्ट 55 मार्क्स का और नियर अबाउट 70+% में उनका ये पेपर अटेम्प्ट हो जाता है कोई 4 चैप्टर्स करने से, इनके चैप्टर 1, 2, 3 एंड 10, ये 4 चैप्टर्स करने से नियर अबाउट 70% का पेपर हो जाता है। उम्मीद है व्यूअर्स स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस लेक्चर के साथ आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़।